तो आज मैं लेके आई हूँ चने दाल का दानेदार हलवा। देखिए ये हलवा कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है और बहुत सरल ही तरीके से। तो चलो बनाना शुरू करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चना दाल हलवा और मैंने एक कप भर के दाल ली है और मेजरमेंट के लिए कोई कटोरी या कप सेट कर लें। तो इस दाल को मैंने धो के ओवर नाइट सो करने रख दिया था। तो देखिए हमारी दाल बहुत अच्छे से फूल गई है और दाल को हमने फैला दिया था तो इससे सारा पानी भी सूख गया है। तो अब हम दाल को सबसे पहले सेकेंगे। तो देखिए गैस पे रख दी है मैंने कढ़ाई और कढ़ाई में हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच भर के घी और घी को मेल्ट होने देंगे। तो देखिए घी हो गया है मेल्ट। तो अब हम डाल देंगे चना दाल और दाल को अब हम बहुत अच्छे से सेकेंगे हल्का सा क्रिस्पी होने तक। और बराबर चलाते हुए दाल को सेकेंगे। तो देखिए दाल सिक गई है और दाल को सिकने में 5 मिनट का समय लगा है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और दाल को पूरी तरह से ठंडा करेंगे पहले। तो देखिए दाल को हमने थाली में निकाल लिया है जिससे कि ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी। और देख मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये दाल कितने अच्छे से सिक गई है। बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो अब इसको बहुत अच्छे से ठंडा होने देंगे पूरी तरह। तो दाल हो गई है ठंडी। तो हमने लिया है ये मिक्सी का जार और जार में हम सारी दाल डाल देंगे। और दाल का हम बिल्कुल फाइन पाउडर बना के तैयार करेंगे। तो देखिए दाल को हमने पीस दिया है और दाल का हमने बिल्कुल फाइन पाउडर बना के तैयार किया है। और ये देखिए कितने अच्छे से पीस भी गई है, बहुत अच्छे से। तो अब बनाएंगे हलवा। ये गैस पे हमने फिर से वही कढ़ाई रख दी है और अब हम इस दाल के पाउडर को सेकेंगे, लेकिन अभी हम घी नहीं डालेंगे, इसको हम बिना घी के सेकेंगे। और गैस की आंच को अभी बिल्कुल लो रखें, जब दाल सिकने लगे तो मीडियम कर दें। तो अभी हमने गैस की आंच को बिल्कुल लो कर रखा है और बराबर चलाते हुए सेकें। तो देखिए दाल का पाउडर भी अच्छे से सिक गया है और कलर भी चेंज हो गया है और इससे हल्की सी खुशबू आने लगी है। अब हम डालेंगे इसमें घी। तो हम 2 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। तो देखिए घी मेल्ट हो गया है। अब हम दाल को और सेकेंगे जब तक घी इससे रिलीज ना हो जाए और बराबर चलाते रहेंगे। और गैस की आंच को हमने मीडियम कर दिया है, बराबर चलाते हुए सेकेंगे। तो सिकते सिकते देखिए दाल के पाउडर का कलर भी चेंज हो गया है और घी भी रिलीज कर दिया है। तो देखिए दाल गीली हो गई है हल्की सी। तो अब हम इसमें डाल देंगे 100 ग्राम मावा डालें और अभी देखना मावा भी पिघल जाएगा, अच्छे से इस पाउडर के साथ मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा। तो देखिए मावा भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम दाल को मावा के साथ 2 से 3 मिनट और सेकेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं सिकते सिकते और तो अब हम डालेंगे दूध। तो अभी हम 1 कप दूध ले रहे हैं और बराबर चलाएंगे। तो देखिए दाल ने सारा दूध पी लिया है। अब हम इसमें 1/2 कप दूध और डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए दाल ने सारा दूध पी लिया है और दाल कितनी सूखी सूखी हो गई है। तो अब हम डालेंगे 1/2 कप चीनी और ये केसर वाला दूध, इलायची पाउडर। अब हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं।
तो अब हम और अच्छे से सेकेंगे इस हलवा को, मतलब और अच्छे से पकाएंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे, एक छोटी चम्मच के करीब। अब आधा कप घी डाल दिया है इस हलवा में हमने, और इस हलवे का हमने मेजरमेंट किया है एक कप चना दाल, आधा कप चीनी और डेढ़ कप दूध और आधा कप घी। इन चीज़ों का मैंने मेजरमेंट किया है और ये हलवा बहुत अमेजिंग होने वाला है, बहुत मज़ेदार। और बराबर इसको चलाएंगे, नहीं तो हलवा तले में लग जाएगा कढ़ाई में नीचे। तो अब हम हलवा में ऐड करेंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है काजू बादाम, और मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं और ज़्यादा बारीक भी नहीं किए, और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारा हाई प्रोटीन हेल्दी हलवा है और बड़ों से लेके बच्चों को सबको पसंद आने वाला है घर में ये हलवा। तो देखिए चने दाल का दानेदार हलवा पूरी तरह से बनके तैयार है, देखिए कितना परफेक्ट बना है ये। तो अब हम कर देंगे गैस को बंद और कढ़ाई को उतार लेंगे नीचे। तो हलवा को अब हम गार्निश कर देंगे कुछ कटे हुए काजू बादाम से। तो देखिए आज के हमारे चना दाल हलवा की रेसिपी आपको कैसी लगी, और आप किस शहर किस कंट्री से देखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।